है ना, डे अभी 3 का YTD MTD शीट का नाम सेम है, यू कैन चेक ऑन शीट नेम। शीट का नाम आप चेक करो, फाइल आगे पीछे हो सकता है बट शीट का नाम सही रहेगा। ओके सो यू कैन चेक दिस। मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, इसमें फर्स्ट कॉलम इज ईयर, देन मंथ, और हर महीने में मैंने कितने परचेस किया है। ओके सो जनरली इन द इंडस्ट्री क्या होता है, यू कंपेयर योर विद आपका जो परफॉर्मेंस है वो आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, नहीं तो लास्ट मंथ के साथ। मतलब मान लीजिए लास्ट ईयर में मेरा कितना परसेंटेज था, तो 80% मैंने स्कोर की थे। इस साल में कितना परसेंट की ने सॉरी किया इज 82, मतलब मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया, राइट। सॉरी हाँ, सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू कंपेयर इन द इंडस्ट्री आल्सो पीपल कंपेयर आपका जो भी डेटा है, और आपका जो भी डेटा है विद द लास्ट। मान लीजिए यू आर कंपेयरिंग समथिंग, आप 2023 में है अभी, ओके सो आप कंपेयर कर रहे हो अप्रैल 2023 में, तो जनरली व्हाट यू विल डू, इस साल में मैंने कितना परचेस किया इसका सम ले लूंगा, मतलब जनवरी टू मई कितना परचेस किया इसका सम नीचे दिख रहा है यहाँ पे। राइट, पूरा मतलब ओनली दिस, मैं जितना सेल सिलेक्ट करता हूँ उससे का सम रहता है। ओके सो ओनली दिस, तो मार्च तक मैंने इस साल में कितना परचेस किया है, देखिए फ्रॉम जनवरी टू मई, लेट्स फिगर इट आउट, इट इज 55095, आई विल मेंशन इट हियर। जैन टू, अरे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है वो, सॉरी नॉट फोर, कितना आया था 55055 था, समथिंग लाइक दिस। तो इसका मुझे कंपेयर करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कंपेयर विद द जनवरी, और वो भी कैसे, नॉट ओनली मई, सिर्फ मई का कंपेयर नहीं करूंगा मैं यहाँ पे भी, पूरा जनवरी टू मई का सिलेक्ट करूंगा। देखिए जनवरी टू मई, ओके सो दिस वाज 45750, तो यहाँ पे भी जन टू मई 2022 कितना था 45750 ऐसा कुछ था। ओके क्लियर सबको, तो कंपैरिजन फ्रॉम दैट ईयर, मतलब ईयर कार्ड होता है ना, वहां से आपको आपके मंथ का कंपैरिजन स्टार्ट करना है, दैट इज नथिंग बट अ YTD, YTD कंपैरिजन, राइट। मतलब लास्ट ईयर जनवरी टू मई और दिस ईयर जनवरी टू मई, और पता नहीं क्या। सो लास्ट ईयर मान लीजिए दिस ईयर आई मीन जुलाई, सो लास्ट ईयर जनवरी टू जुलाई, दिस ईयर जनवरी टू जुलाई, सो दैट इज नथिंग बट अ YTD कंपैरिजन, ईयर टू डेट। इकोनॉमिक टाइम किसी ने देखा है क्या, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पेपर, उसमें और शेयर मार्केट उसमें यार आता है क्वार्टर टू क्वार्टर, हाँ क्यू टू रिजल्ट आउट, क्यू टू रिजल्ट 54%, क्यू थ्री रिजल्ट, तो वो क्या करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर मतलब जैसे हमने ईयर, मतलब जनवरी फेब्रुवरी मार्च, एक 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है, तो इस क्वार्टर में कितना था और अगले क्वार्टर में कितना था, राइट, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन। YTD मतलब पूरे पिछले साल का इस साल का, क्वार्टर मतलब पिछले 3 महीने का इस 3 महीने का, तो सिमिलरली MTD मतलब मंथ, पिछले महीने इस महीने मेरा कितने कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ओके तो अभी ये चेंज कितना हुआ है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, कैसे,
डिफरेंस ले लो 55 माइनस ये राइट, एंड देन परसेंटेज निकालने के लिए दिस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो ये था, और इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। दिस इज नथिंग बट 20% चेंज हुआ है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है मेरा 20% का, राइट YTD। सॉरी क्या पता नहीं, सो दिस इज 20%। सिमिलरली मान लीजिए इसका यूज आप कंपैरिजन, नॉट ओनली ईयर टू ईयर कंपैरिजन हो सकता है, और टोटल ईयर में आपका टारगेट है आपको कुछ 100 करोड़ अचीव करना है, उसमें से पहले 4 महीने में आपने 40 करोड़ का कुछ टारगेट अचीव किया है। यस, तो यू कैन ऑल्सो कंपेयर रिमेनिंग कितना है 60, तो 60 आपको कवर करना है रिमेनिंग जो भी मंथ है वगैरह, राइट। मतलब टाइम सीरीज रिलेटेड यू कैन यूज ऑल दिस टर्म्स, YTD, MTD और ईयर ऑन ईयर, एक रहता है ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, Q&Q, मतलब पिछले साल इस साल का, पिछले महीना इस महीने का, पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर का, सो द क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। इसके साथ कंपेयर करके परसेंटेज में आप डिनोट कर सकते हो, मतलब इंक्रीज है डिक्रीज है। ओके okay? क्लियर। ओके okay. सो ये वन मोर एनालिसिस मुझे आपको बताना था, जैसे हमने कल पैरेटो एनालिसिस किया था, सो दीज आर नथिंग बट फ्यू मोर टाइप और वेज ऑफ एनालिसिस तुम्हें एनालिसिस करो सकता, मतलब ये दीज आर नथिंग बट अ वेज ऑफ एनालिसिस जहाँ पे हमने पैरेटो किया। सिमिलरली ऑन द सेम लाइन आप ये भी एनालिसिस कर सकते हो, बट इसका रिक्वायरमेंट इतना ही है कि आपको डेट्स चाहिए, डेट एंड मंथ वगैरह फील्ड चाहिए ऐसे आपके डेटा में। ओके okay? और मोस्टली ये फील्ड रहता ही है। ओके क्लियर सबको ऑनलाइन, यस नो। तो आपके पास जो भी डेटा सेट दिया गया है उस पे आप चेक कर सकते हो, आपके पास यू कैन कंपेयर ऑल दिस वैल्यूज, YTD कितना है, MTD कितना है, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो हो रहा है बिजनेस। ओके क्लियर। चलो सो हम कल एक पॉइंट पे वी कंक्लूडेड अवर सेशन, जहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि कंबाइन डेटा कंबाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके एंड उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शंस दिए गए हैं एक्सेल में, सो दीज आर फंक्शंस नथिंग बट लुकअप फंक्शंस, राइट। एक्स लुकअप, वी लुकअप एंड एक्स, वी एच एक्स, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप, सो दीज आर 3 लुकअप फंक्शंस अवेलेबल इन, राइट, अवेलेबल इन एक्सेल टू कंसोलिडेट द डेटा। मतलब अलग अलग डेटा आपको एक जगह पे लेके आना है, फिर उसके बाद एनालिसिस करना है, राइट। सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड लुकअप फंक्शंस, और लुकअप फंक्शंस हमारे लिए दिए गए हैं, तो ये कैसे यूज करना है। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट वे आपको कोई भी फंक्शन एक्सेस करना है और यूज करना है तो यू कैन गो टू फॉर्मूलाज टैब। ओके मान लीजिए मुझे आउटपुट यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे मुझे आउटपुट चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस सेल, गो टू फॉर्मूलाज टैब, इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे सर्च कीजिए वी लुक अप, राइट, एंड देन प्रेस इंटर। इंटर के बाद यू कैन सी यहाँ पे वी लुक अप दिख रहा है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया एंड आई गॉट अ रिजल्ट कॉल्ड वी लुकअप। ओके वंस यू गेट अ रिजल्ट तो आप इसके बाद ओके प्रेस करना है आपको, तो आपको ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, ये देखिए। ओके यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज लिखना है ना, दैट्स व्हाई इट हैज बीन केप्ट इट ओपन। लुकअप वैल्यू है, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। बाय द वे दीज आर नथिंग बट अ आर्ग्यूमेंट, मतलब एक्स लुकअप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये आपको वैल्यूज देना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है नीचे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा।
इसका मतलब क्या, व्हाट इज दिस मीनिंग, लुकअप टेबल, कॉलम इंडेक्स क्या है क्या नहीं है, विल सी। बट अंडरस्टैंड कि हर एक फंक्शन के अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे सम नाम का फंक्शन हमने ले लिया, तो उसके क्या लगता है, और सम, देखिए यहाँ पे सम फंक्शन, इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नंबर वन एंड नंबर टू। इफ आई पास टू नंबर्स मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ओके, वैसे ही हर एक फंक्शंस के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो हम आर्ग्यूमेंट देखेंगे। सो व्हाट आर दिस आर्ग्यूमेंट्स, सो ये दिस आर द फोर आर्ग्यूमेंट्स यू हैव। ये देखिए, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज वैल्यू, ये फोर आर्ग्यूमेंट्स आपको देना है, तो उससे आपको आउटपुट मिल जाएगा एक्स लुकअप का, है ना। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व हियर इज, मान लीजिए यहाँ पे एक आई राइट अ एक्स लुकअप यूजिंग इज इक्वल टू सिंबल। ओके, इज इक्वल टू एक्स लुक, देखिए नीचे आउटपुट आ रहा है, देन आई विल प्रेस टैब एंड देन आई वांट यू टू ऑब्जर्व कि ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे पॉपअप में, आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस, मतलब लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे रिटर्न। तो कैन यू ऑब्जर्व लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे एंड रिटर्न अरे, और फिर ये तीन है और ये तीन अलग है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, कैन एनीबडी टेल मी विजुअली, मतलब देख के बताइए। आई नो वो उसका मीनिंग कुछ अलग अलग है, बट देर आर सिक्स आर्ग्यूमेंट्स ये फंक्शन लेता है, उसमें से तीन आर्ग्यूमेंट अलग दिख रहे हैं और तीन आर्ग्यूमेंट अलग दिख रहे हैं, तो वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। बाय दिस फोकस ऑन द ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट लगाया गया है, देखिए ये तीन आर्ग्यूमेंट को ब्रैकेट दिया है और ये तीन को ब्रैकेट नहीं है, राइट। लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे एंड टेबल और रिटर्न अरे एंड इफ नॉट फाउंड मैच मोड, सर्च मोड। ओके, सो ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स लेता है, इसमें से ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, दीज आर कॉल्ड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये तीन नहीं दिया तो भी ये फंक्शन काम करेगा, बट ये तीनों को स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये कंपलसरी देना ही है, दीज आर कॉल्ड कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स। तो हर एक फंक्शन के अपने अपने कंपलसरी एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमें मैक्स टू मैक्स, मतलब तीन कंपलसरी देना ही है, आगे के जो तीन है वो नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके गुड, सो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू यू नाउ इज, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हर एक का मीनिंग क्या है, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट आपको देना है उसका मीनिंग समझते हैं। पहले तो लुकअप वैल्यू, राइट, पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब द डेटा यू वांट टू लुक, और दिस वैल्यू, और दिस इज अ वैल्यू और अ नंबर। मतलब मान लीजिए आपके पास दो डेटा है, लेट्स टेक इट एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल एनालाइज करेंगे। ओके, मान लीजिए ये मेरा सोर्स टेबल है, मतलब इस टेबल मैंने एक शीट में मेंटेन किया है। ओके, ये मेरा स्टैंडर्ड है, दिस इज व्हाट आई हैव, टेबल वन है और टेबल टू, लेट्स डिलीट दिस एंड डिलीट दिस, और मेरा एक रिक्वायरमेंट है जहां पे और एक टेबल बनाना है मुझे, और एक जगह भी डेटा लेके जाना है जहां पे मुझे सिर्फ एम्प्लॉई आईडी दिया गया है और सैलरी मुझे उस पे कंसोलिडेट करना है, मतलब सैलरी निकालना है उस एम्प्लॉई का। मतलब मान लीजिए एक मेन डेटा में, मेन डेटाबेस है आपका सर्वर पे, नहीं तो किसी के कंप्यूटर में वगैरह रहेगा, जहां पे टेबल वन लिखा है, और आपके पास एग्जाम्पल वन में जो टेबल दिया है ये बनाना है, मतलब एम्प्लॉय आईडी का सैलरी निकालना है। ओके, सो व्हाट यू डू, लॉजिकली आप क्या करोगे, मान लीजिए मैं जिसमें डेटा है उसको मैं बोलता हूँ सोर्स टेबल, क्योंकि उसके पास सब है, राइट, एंड टेबल जहाँ पे डेस्टिनेशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेबल पॉपुलेट करना है, राइट। सो व्हाट डू इज,
There's one more method, मतलब एक E101 employee ID, मैं क्या करूंगा इस टेबल में कहां वो ढूंढूंगा। E101 दिख रहा है यहाँ पे, इसका सैलरी क्या है 1,20,000, तो मैं यहाँ पे 1,20,000 ऐसे मैन्युअली इंटर कर देता हूँ। मुझे चाहिए E101 सैलरी, तो इस स्टेज जाता हूँ E107 ढूंढता हूँ। हाँ यहाँ पे है, दिख रहा है ना, ये देखिए E107, इसका सैलरी क्या है 84, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आके 84। ऐसा ही करते हो ना, आपको कुछ पता नहीं है तो किसी टेबल से कॉपी करना है। बट ये मेथड ऑलवेज फिजिबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा हो गया तो यू कैन नॉट ऐसे मैन्युअली आप कर नहीं सकते, तो इसको मुझे ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए वी हैव सम फंक्शन कॉल्ड एक्स लुकअप और वी लुकअप और एच लुकअप, ओके। हम लुकअप फंक्शंस यूज कर सकते हैं, ओके। एंड इन केस मैं यहाँ पे डेटा कैसे भर रहा हूँ, मैं वर्टिकली मुझे डेटा चाहिए ना इधर, तो वर्टिकली मतलब ऐसे फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा वी लुक अप, ओके। मतलब वर्टिकली डेटा चाहिए मुझे, वर्टिकली आउटपुट चाहिए, तो आई विल यूज अ वी लुकअप, ओके। तो वी लुकअप यूज करने से देयर आर सर्टेन वॉन्ट यू टू नो, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है मुझे फंक्शन जब भी इंटर करता हूं तो पहला आर्ग्यूमेंट आता है लुकअप वैल्यू, राइट। लुकअप वैल्यू मतलब द वैल्यू विच आई वॉन्ट टू लुक, मतलब मुझे सर्च क्या करना है। इस केस में एम्प्लॉय आईडी है, वही एम्प्लॉय आईडी मैं इस टेबल में सर्च कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, मतलब जो फील्ड कॉमन रहता है दोनों टेबल में, सोर्स और डेस्टिनेशन में जो कॉमन रहता है वैल्यू, मेरे केस में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है ना इधर, तो ये क्या हो गया मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, ओके। क्लियर सबको। द वैल्यू विच इज कॉमन इन बोथ द टेबल सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड अ लुकअप वैल्यू। सोर्स और डेस्टिनेशन में जो सेम है कॉलम और जो ढूंढना चाहते हो आप, तो उसको ही हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि किसी का रेफरेंस लेके आपको ढूंढना है ना, ऐसा रैंडमली आप कुछ भी वैल्यू सर्च नहीं कर सकते ना। आपको मान लीजिए आपको सैलरी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी कॉमन चाहिए। बाय द वे दोज हु हैव लर्न्ड एसक्यूएल, एसक्यूएल वगैरह आप सीखोगे यहाँ पे जाके, नहीं तो किसी ने सीखा होगा तो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड प्राइमरी की, पता है क्या। तो दिस इज नथिंग बट अ प्राइमरी की, जो आपका लुकअप वैल्यू रहेगा वो ऑलवेज प्राइमरी की रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों टेबल में कॉमन रहेगा, कहीं पे रोल नंबर हो सकता है, सीरियल नंबर हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, डेजिग्नेशन हो सकता है, एम्प्लॉय का नाम हो सकता है, राइट। क्योंकि उसी का रेफरेंस लेके कहीं पे आपको डेटा बनाया होगा किसी ने, सो दिस इज नथिंग बट अ प्राइमरी की और लुकअप वैल्यू, ओके। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है, बाय द वे दोज हु हैव जॉइंड लेट, हम वी लुकअप के आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब ये देखिए इज इक्वल टू वी लुकअप में लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी, वी लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन वी लुकअप, दोज हु हैव जॉइंड लेट उनके लिए है वी लुकअप, यहाँ पे प्रेस इन, ओके। तो देखिए दीज आर नथिंग बट आर्ग्यूमेंट। अभी लुकअप वैल्यू में क्या आएगा, आपका एम्प्लॉय आईडी आएगा, राइट, ईएमपी आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों टेबल में, जिससे मुझे डेटा लेके आना है और जिधर डेटा भरना है मेरा, सो दैट इज बिकम ए एम्प्लॉय आईडी। अभी उसके नीचे देखिए टेबल अरे, टेबल अरे मतलब इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल, टेबल अरे मतलब सोर्स टेबल और टेबल इन विच रिक्वायर्ड डेटा इज अवेलेबल, मतलब ऐसा टेबल जिसमें डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मुझे वो डेटा चाहिए जिस टेबल में अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे टेबल अरे और सोर्स टेबल, ओके। और बट इसका एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो आप लुकअप वैल्यू कर रहे हो वो वैल्यू शुड बी इन फर्स्ट कॉलम लुकअप, ये देखिए
द वैल्यू शुड बी फर्स्ट कॉलम ऑफ लुकअप टेबल, और सोर्स टेबल में पहले कॉलम में वो चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो। ओके, एग्जांपल में देखते हैं, अभी मुझे क्या भरना है, ये टेबल मुझे भर के भरना है पूरा। ओके, और मेरा एक्चुअल डेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। तो इस टेबल में लुकअप वैल्यू क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के रेफरेंस से मैं इस टेबल में ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा, सैलरी, क्योंकि मुझे सैलरी भरना है। कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सैलरी है, ये सारे सैलरी के कॉलम है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो दीज आर नथिंग बट अ सैलरी कॉलम। तो मैं एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो ये दोनों में मैच करूंगा और इसके अगेंस्ट क्या सैलरी आ रहा है उसको चेक करूंगा, इसके अगेंस्ट क्या सैलरी है चेक करूंगा, और वो सैलरी यहाँ पे इंटर करूंगा, है ना, इस कॉलम में। सो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, इसीलिए आई एम यूजिंग वी लुकअप। लुकअप हम यूज कर रहे हैं, वी लुकअप, राइट। तो इसमें से एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, एंड ये टेबल, ये जो टेबल हो गया इसको बोलेंगे टेबल अरे, क्योंकि इसके पास सारा डेटा अवेलेबल है, ये सोर्स टेबल हो गया, क्लियर। एंड कॉलम, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखिए, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब अभी देखिए, इतना बड़ा टेबल आपने तो सोर्स में दिया है, बट इसमें से सारा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए आपको? सिर्फ सैलरी चाहिए ना, और आप ढूंढ कैसे रहे हो, एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस लेके ढूंढ रहे हो। तो क्या करना है, इसको एक नंबर देना है, एम्प्लॉय आईडी को एक नंबर, एम्प्लॉय आईडी कॉलम को एक नंबर, और फिर नेक्स्ट कॉलम को दो नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर। तो इंडेक्स क्या हो गया मेरा, 4, राइट। मतलब कॉमन वैल्यू और लुकअप वैल्यू से मुझे जो चाहिए कितना दूर है वो देखना है मुझे बस। अभी मान लीजिए मुझे डेजिनेशन निकालना है, मतलब इस सैलरी की जगह डेजिनेशन निकालना है, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे व्हाट आई विल, ये हो गया मेरा 1 नंबर, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो मेरा इंडेक्स क्या आता, कॉलम इंडेक्स नंबर इज 3, राइट। और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है, मेरा 1 नंबर इज ऑलवेज लुकअप वैल्यू। मुझे मतलब अभी इस केस में एम्प्लॉय आईडी लुकअप है, तो इसलिए उसको 1 नंबर दिया है, मतलब बट नेम वगैरह लुकअप रहेगा तो नेम से शुरू होगा, इसको 1 नंबर दूंगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 3 होगा, तो ये 3 आ जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम गए थे। ठीक यस, सो थोड़ा टेक्निकल है, विल सी, एक दो तीन एग्जांपल के बाद आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिकली कैसे, कहाँ पे यूज किया है पता है क्या आपको? इफ आई वांट टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप किसी फ्रेंड को आपको फोन लगाना है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कॉन्टेक्ट ऐप ओपन करते हो, फिर उसके जाके सर्च करते हो, क्या सर्च करते हो, उसका नाम सर्च करते हो, राइट। फिर आपको क्या आता है रिजल्ट में, उसका नाम और मोबाइल नंबर, फिर आप उसको क्या करते हो, कॉल करते हो। ओके, तो नाम, नाम लेके कॉल होता है क्या? नहीं, कॉल करने के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, राइट। मोबाइल नंबर से ही कॉल होता है ना, तो आपको नंबर पता है क्या? नहीं है, बट नंबर किधर है, कॉन्टेक्ट ऐप में। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे आपको नाम पता है, कॉन्टेक्ट ऐप में भी नाम है, तो लुकअप वैल्यू क्या हो गया, आपका नाम, मतलब जो आपको ना ढूंढना है वो लुकअप वैल्यू हो गया, और सोर्स क्या हो गया, कॉन्टेक्ट ऐप, क्योंकि उसको सब कुछ पता है, राइट, क्लियर। आपको क्या ढूंढना है वो लुकअप वैल्यू, जो आपको भी पता है, कॉन्टेक्ट ऐप में भी है, वो लुकअप वैल्यू हो गया। और आउटपुट में जो आएगा, मतलब सब डेटा स्टोर किस में है, कॉन्टेक्ट ऐप में, वो क्या हो गया, मेरा सोर्स टेबल हो गया, राइट, क्लियर सबको। ऑनलाइन क्लियर, यस ओके गुड, यस सर, चला। सो अभी प्रैक्टिकली अभी करेंगे, चलो।
पहले तो बताइए मुझे, एक डेटा कंसोलिडेट करना है, मतलब यहाँ पे कंबाइन लेके आना है। एम्प्लॉय आईडी दिया है मुझे, मेरे मैनेजर ने बोला कि एम्प्लॉय आईडी ले लो, इनका सैलरी सब यहाँ पे लिखो, ऐसे बोला है। ओके, तो क्या करना है, ये तो पहले डेटा कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है, ये तो पता चला, मतलब डेटा कहीं पे डेटा है और मुझे कहाँ पे पेस्ट है और लेके आना है डेटा उठा के, तो उसको डेटा कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो इसके लिए मेरे पास तीन फंक्शन है, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास सैलरी ऐसे भर के लेके आना है ना, ऐसे सैलरी भरना है, तो ये क्या हो गया, वी लुकअप हो गया है ना। तो वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल भरना है, तो मतलब ऐसे आप भर रहे हो, ऐसे डेटा भरना है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल। रो में डेटा भर रहे हो तो ये हॉरिजेंटल, इसलिए एच लुकअप। कॉलम में डेटा भर रहे हो तो वो वी लुकअप। ओके, चलो तो मैं फंक्शन लिखता हूँ, कहाँ पे भी मुझे डेटा चाहिए, E101 का सैलरी यहाँ पे चाहिए, तो ये सेल सिलेक्ट करो पहले, तो उसके बाद फॉर्मूलाज में जाओ, देन जाओ इंसर्ट फंक्शन, देन यहाँ पे सर्च करो वी लुक अप, इंटर, लुकअप आ गया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, ये चार ऑप्शन जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं। तो लुकअप वैल्यू क्या है मेरे पास इसमें, बाय द वे ये इसको आप क्लिक करके हाइड कर सकते, देखिए ये हाइड हो जाता है, यहाँ पे वापस क्लिक करके अनहाइड होता है, ये देखिए एरो भी दिखा रहा है वो अनहाइड। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, ये हाइड करता हूँ। लुकअप वैल्यू बताइए अभी, मतलब इस टेबल में भी है या ये टेबल में भी है और ये टेबल में भी है ऊपर वाले, तो कौन सा वैल्यू सेम है दोनों में, एम्प्लॉय आईडी सेम दिख रहा है राइट, मतलब E101 सेम है, मैं यहाँ पे E101 सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, क्लिक किया, तो इसीलिए ऊपर यहाँ पे भी देखिए A17 ये आ गया है, ये हो गया लुकअप वैल्यू। अभी टेबल अरे, नेक्स्ट इज टेबल अरे। टेबल अरे मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट ऐप जिसको सब कुछ पता है, तो मेरे टेबल वन को सब वैल्यू पता है, तो मुझे टेबल वन सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, उसके पहले सेल से सिलेक्ट डाउन और ऐसे पूरा सेल सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, क्लिक करके ड्रैग करना है उसको, और आपको ये दिख भी रहा होगा, देखिए ग्रीन लाइन हाईलाइट हुआ है ना, और पे कुछ आ गया 10R5C। ओके, मतलब 10 रो और 5 कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है, इसलिए आई कैन यूज दिस एज अ कॉलम इंडेक्स, मैं बता देता हूँ आपको। चलो पहले समझिए है ना। ओके, सिलेक्ट हुआ टेबल अरे, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई हैव सिलेक्टेड, बाय द वे इसमें ये देखिए टेबल 2 आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि टेबल इस टेबल को नाम दिया है व्हाट आई विल सी, ये थोड़ा आगे जाके चेंज होता है। एज ऑफ नाउ आपको, बाय द वे मैंने क्या किया है मैं बता देता हूँ आपको, बट एज ऑफ नाउ आप विल फोकस ऑन वी लुकअप फॉर्मूला इन फंक्शन वी लुकअप यहाँ पे। ओके, फिर लुकअप वैल्यू मेरा E101 है। टेबल अरे में क्या सिलेक्ट करना है मुझे, क्लोज करके पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, ये है ना। ओके, अभी देख सकते हो आपको यहाँ पे वैल्यूज आ गई है ना। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर कौन बताएगा, अभी स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से राइट, ये हो गया वन टू, सैलरी में ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए राइट, तो आई विल राइट अ 4 नंबर हियर। ओके, और आप यहाँ पे आंसर दिख भी रहा है, देखिए कैन यू सी द आंसर, देन प्रेस। अभी एक तो हर जगह पे मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या ऐसे ही सेम, आई कैन, बट यहाँ पे डबल ड्रैग ये ड्रैग छोटा, हाँ टैग भी कर सकते हैं, नहीं तो क्लिक भी कर सकते हो आप, ये देखिए इस पे इस सेल पे जाइए आप, मेरा माउस देखिए
अपॉइंटर, यहाँ पे आने से वो डबल क्लिक करना है आपको। देखिए आ गया, अभी एक दो कंपेयर करके देखिए E108 का कितना है, 9000। E108 यहाँ पे, 108 यहाँ पे इसका है क्या, 96, हाँ है। ओके, और E102 का कितना है, 1 लाख। E102 का 1 लाख है ना, तो इट इज वर्किंग फाइन। ये आदत अच्छा है, इतना फॉर्मूला पे भरोसा करना है इज नॉट सेफ, तो एक दो क्रॉस चेक कर दीजिए आप, है ना। क्लियर सबको, वी लुकअप कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। वन मोर थिंग, अभी मुझे बताइए डेजिग्नेशन चाहिए इधर, ओके। तो डेजिग्नेशन के लिए मुझे डेजिग्नेशन लेके आना है इधर, इधर नीचे बना ही है, डिलीट देता हूँ मैं पूरा। चलो एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, यहाँ पे मुझे नाम, नाम कहाँ पे है में है, तो क्या लगाना है बताइए। पहले तो क्या लगाना है, कौन सा लुकअप फंक्शन लगाना है। ओके, लुकअप तो ये वर्टिकली भरना है ना नाम, इसलिए वी लुकअप। ही तो कौन बताएगा मुझे, सॉइल सिलेक्ट द सेल, करना इन फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, पड़ेगा वी लुकअप, प्रेस ओके। क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, दोनों नीचे है ना, सॉइल सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे क्या आएगा, ये देखिए ये पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, ड्रैग। बाय द वे मुझे क्या चाहिए अभी, नाम चाहिए ना, कैन आई से ओनली टू कॉलम, इतने सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या। नाम ओके, बट मुझे चाहिए क्या, एम्प्लॉय आईडी से नाम चाहिए ना, तो इतना तो मिल रहा है यही दो टेबल में, बट मिल रहा, पहले वो सैलरी कटे में पूरा लिया था ना लास्ट मंथ, पूरा लिया था, बट दैट इज नॉट कंपलसरी, मतलब तो जितना डेटा चाहिए उतना भी ले सकते हो, सोर्स उसको मिलना चाहिए ना, नाम और नंबर है तो बस हो गया, नहीं तो कॉन्टेक्ट सेव करते टाइम आप ईमेल आईडी, उसका बर्थ डेट, कंपनी, ये भी पूछता है, तो आप डालते हो क्या, नहीं डालते, जो जितना चाहिए उतना भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए नीचे ये दिख रहा है क्या, 2C, क्या है ये, टू कॉलम्स नथिंग बट इंडेक्स नंबर मिला आपको डायरेक्टली, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, टू तो डायरेक्टली आप इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हो। ओके, क्लियर, शॉर्टकट, दोज हु लव शॉर्टकट, बट विल गो विथ रेगुलर मेथड, पूरा सिलेक्ट करेंगे हम, है ना, पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। चलिए द नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर इस टाइम में क्या आएगा, मुझे क्या चाहिए, दिस इज एम्प्लॉय आईडी मेरा लुकअप है, तो इसलिए ये 1 नंबर हो गया, और ये 2 नंबर हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मुझे क्या चाहिए, बट मुझे नेम चाहिए, राइट, तो नेम का कितना है नंबर, 2, तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे 2, क्या देखिए, प्रेस ओके। आ गया, कैन यू ऑब्जर्व, ये छोटे छोटे ग्रीन कलर का कुछ आ रहा है, ये क्या है वो देखेंगे हम। ओके, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि वीलुकअप कैसे काम करता है। क्लियर सब, सबको आ रहा है वीलुकअप अभी, कैन एनीबॉडी क्विकली प्रेजेंट देयर स्क्रीन एंड शो मी। चलो कल किसने प्रेजेंट किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर दो तीन लेयर बनेंगे अभी अलग अलग। चलो क्विकली, अरे करो, कौन प्रेजेंट करेगा, हु विल प्रेजेंट क्विकली, चलो यू पीपल स्पेंड टेक लॉट ऑफ टाइम हियर। हाय चेतन, आप कॉल में है क्या, आर यू अवेलेबल इन द कॉल। यस सर, यस सर।
चेतन, आपको आप जब वो ग्रुप ज्वाइन करोगे ना व्हाट्सएप, तो यस उसको सर, आपको सारे मिल जाएंगे, है ना? और ये आई मैंने गेस कुछ एडमिशन लेने के बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, दे ऐड यू इन द ग्रुप, दैट्स हाउ यू गेट ऑल द मटेरियल। सर एडमिशन किए है ना सर। ओके, आस्क द काउंसलर, मतलब आप कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि एडमिशन मतलब ग्रुप में ऐड करने के लिए DA8। DA8 आप है क्या DA8 में? नहीं है सर, नहीं। नहीं सर। ओके, तो आस्क देम टू ऐड इन DA8। ओके यस सर, यस सर, ओके थैंक ओके गुड। चलो, हु विल प्रेजेंट द स्क्रीन? यू। अमित, ओके, समबडी न्यू इज ज्वाइनिंग। हाय अमित, आपका डे वन है क्या? और आर यू ज्वाइनिंग फॉर अ डेमो लेक्चर? यस सर, ओके यस सर। ओके ठीक है, हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड फ्यू थिंग्स। आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे हैं, आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे उस सब्जेक्ट के, मतलब तीन चार लेक्चर तो हमारे कवर हुए हैं ना। लेट मी नो आपको कुछ इश्यू आया तो आज के लेक्चर में। सो हम अभी पढ़ रहे हैं वी लुकअप, और वी लुकअप हम डेटा कंसोलिडेट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब दो तीन जगह से एक जगह पे डेटा लेके आने के लिए हम लुकअप फंक्शंस यूज कर सकते हैं, उसमें से एक है वी लुकअप। ओके क्लियर? आपको कुछ हैव यू ट्राइड इन द पास्ट लुकअप फंक्शन वगैरह? कुछ डेटा नहीं रहेगा? नो सर, ठीक है, नॉट एन इशू, आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख सकते हो। ओके ठीक, नो। ओके सर, श्योर सर, चलो। सो नोबडी इज इंटरेस्टेड इट सीम्स वी लुकअप के लिए, बट ठीक है, आप पर शुड इंटरेस्टेड आई है ना वी पर लुकअप? शुड आई ओके ओके कैन डू द वी लुकअप। सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके, आप हमको एक बार बताइए, है ना? कैन यू से सी दिस स्क्रीन? हेलो, हेलो। सर कैन यू सी द स्क्रीन? ओके कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ यस, सब मिट गया। सर, कॉलम इंडेक्स पे कौन कॉलम इंडेक्स सा डालना पे है? कौन सा नाम है? कॉपी कर एक्सेल में लाना पड़ेगा। कॉपी ओके, चलो हो गया। ओके यस, सर कॉलम इंडेक्स पे कौन सा सेट करना है? हाँ, कॉलम इंडेक्स पे आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो नंबर डालना है, 1 2 3। ओके सपोज आई वांट डेजिग्नेशन हियर। हाँ, सो लुकअप वैल्यू को 1 दीजिए, फिर उससे आगे जाइए, डेजिग्नेशन आएगा 1 2 3, राइट? ओके जस्ट अ सेकेंड।
कहाँ पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो? नॉट एबल टू सी, दिख स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? हाँ फ्रीज हुआ है क्या? हाँ नहीं ना, ओके। सो एनीवेज लेट मी शो यू वंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड, ओके सर। लेट मी शो यू, क्योंकि आई ओके दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हाँ डेजिग्नेशन निकालना है राइट हाँ यहाँ हाँ पे, राइट सर। यहाँ पे डेजिग्नेशन निकालना है, कॉमन फील्ड बताइए, ये मुझे डेटा कंसोलिडेट करना है यहाँ पे, यहाँ राइट पे एक टेबल है और यहाँ पे एक टेबल है राइट? तो एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों इसमें, देख रहे हो ना, ये देखिए यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, सो दिस इज लुकअप वैल्यू, मतलब कॉन्टेक्ट ऐप में जब भी कॉल करते हो फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम क्या हो गया? लुकअप वैल्यू। सो लिखिए फंक्शन यहाँ पे, ESL सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मूला इंसर्ट फंक्शन, देन वी लुकअप सर्च कीजिए, ओके। तो लुकअप वैल्यू मतलब आपके फ्रेंड का नाम, आपके फ्रेंड को कॉल करना है ना, कॉन्टेक्ट ऐप ओपन करके आपका फ्रेंड का नाम डाल रहे हो, मतलब लुकअप वैल्यू। अब कौन सेम है? एम्प्लॉयड, ओके मतलब आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो आपको फ्रेंड का नाम पता है, आपके कॉन्टेक्ट ऐप में उसका नाम है, दोनों मैच हो रहे हैं ना, उसी के ऊपर सर्च कर रहे हो, सो दैट बिकम्स लुकअप वैल्यू। और टेबल जो कॉन्टेक्ट ऐप है वो टेबल अरे है आपका, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। सो सिमिलरली हमारे सोर्स टेबल में हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस टेबल में सब कुछ इंफॉर्मेशन है राइट? आई सिलेक्ट एंटायर टेबल, क्लियर? अभी आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर, यस ध्यान दीजिए यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर एम्प्लॉय आईडी मेरा क्या है? लुकअप वैल्यू का कॉलम है ना, तो इसलिए ये एक नंबर हो गया, तो ये हो गया दो नंबर, तो ये हो गया तीन नंबर, ये हो गया चार, तो ऐसे ही जितने भी कॉलम है उतने नंबर आगे जाएंगे। बट आपको क्या चाहिए? डेजिग्नेशन राइट? तो डेजिग्नेशन किस में है? तीन नंबर कॉलम में, सो यू नीड टू राइट अ थ्री हियर, तीन नंबर लिखिए यहाँ पे, लिखा डिड यू सी हियर लुकअप वैल्यू टेबल अरे तीन नंबर, तो मुझे डेजिग्नेशन आ गया, यस नो प्रेस डेजिग्नेशन आ गया, एंड डबल क्लिक करने से डेजिग्नेशन भर जाएगा यहाँ पे पूरा, डबल क्लिक करना आएगा जितना भी टेबल है आपका उतना भर जाएगा पूरा, यू डोंट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, किया ड्रैग एंड ड्रॉप से भी होता है, बट ये भी है, ये और थोड़ा एडवांस शॉर्टकट है, ओके चलो। सो नेक्स्ट आई वुड सेम, अभी बताइए मुझे सैलरी के लिए, ओके सैलरी निकालना है, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ओके डेस्टिनेशन। अब ये लुकअप वैल्यू, ये टेबल है मेरा, इसको वैल्यू भरना है मुझे, नेम ओके क्या भरना है? नेम वो इज द लुकअप वैल्यू, नेम भाई कॉन्टेक्ट ऐप, आपके फ्रेंड का सैलरी चाहिए मुझे यहाँ पे। चलो अभी क्या सर्च करोगे? आपको नाम पता है और कॉन्टेक्ट ऐप में भी नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी निकाल लीजिए। तो नेम क्या इस कॉलम में? वैल्यू राइट। फिर उसके बाद लुकअप टेबल क्या हो गया? क्या ना ऐसे इंटायर टेबल, ये मेरा लुकअप टेबल, ओके। ले सकता हूँ बट लुकअप टेबल ये पूरा नहीं होगा इस केस में, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो जरूरी नहीं है ना, मेरे पास है ही नहीं वो मेरे इसमें, तो मैं क्या करूंगा? नेम से स्टार्ट करूंगा टेबल और यहाँ तक एंड करूंगा, है ना, ये मेरा टेबल रहेगा इतना, क्लियर है सबको? ये नेम से मैं ये टेबल ले लूंगा, जितना मैं सिलेक्ट करता हूँ उतना ही टेबल बन जाता है, ऐसा नहीं कि आपको टेबल कहीं पे बनाना है, ड्रॉ करना है वगैरह, ओके। बताइए अभी फिर आपके पास नेम है, तो नेम का एक इंडेक्स होगा, ये दो होगा, तो ये तीन होगा, तो इंडेक्स क्या हो गया? तीन, क्लियर सब? देन दिस यहाँ पे मुझे वैल्यू ऐसे भरना है राइट, ऐसे भरना है वैल्यू, तो मैं क्या यूज करूंगा? वी लुकअप, क्योंकि वर्टिकली भरना है मेरे कॉलम में भरना है, इसलिए वी लुकअप,
राइट। चलो अभी बताइए बताऊंगा सैलरी, पहले तो सेल सिलेक्ट कीजिए, देन गो टू फॉर्मूलास टैब। कहाँ पे फॉर्मूलास टैब? फॉर्मूलास टैब यहाँ पे दिख रहा है क्या? फॉर्मूलास यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन फंक्शन है इसके ऊपर, आपको ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्च करना है आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। वी लुक अप, इंटर, फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दे देगा, देन प्रेस ओके। तो इसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो लुकअप वैल्यू क्या आएगा? अभी मेरे इसमें नेम सिलेक्ट कर देता हूँ, पहला नाम जो है, क्लिक कीजिए यहाँ पे, इसलिए D17 आ गया। D17 क्या रहता है? सेल का एड्रेस है ना, वो डी इज कॉलम एंड 17 इज रो नंबर। D2 कॉलम का, देन टेबल अरे। टेबल अरे इस केस में क्या आएगा? जो हमने डिस्कस किया, नेम से स्टार्ट करूंगा, क्लिक, और फिर पूरा एक्सपीरियंस तक ले लीजिए। देखिए जूम करके देख सकते हो क्या, ये ग्रीन कलर का देखिए कहाँ पे हाईलाइट हुआ है, नेम के जितना ही है ना, नेम से एक्सपीरियंस तक, क्योंकि उतना ही चाहिए, एम्प्लॉय आईडी तो नहीं चाहिए मुझे। सो आई सिलेक्टेड दिस, द नेक्स्ट बिकम्स कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, राइट। देन यू हैव 3, इसके बाद आंसर आ गया, ये देखिए। इसको ही डबल क्लिक कर दीजिए, यू विल गेट एन आउटपुट। बट इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, कुछ गलत आउटपुट आ रहा है, क्या कहेंगे, बट सी मैक्सिमम आउटपुट आया ना, कि आपको क्या है। राव रमेश जोशी, रमेश जोशी का 92,000 है। रमेश जोशी कहाँ पे? यहाँ पे रमेश जोशी है, इसका कितना है? 90, मतलब डेटा तो सही आ रहा है, थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो रहा है, बट आई एम गेटिंग द आउटपुट। ग्रीन स्टेप्स का है वो ग्रीन। हाँ, सो अभी आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रीन क्यों आ रहा है। ये देखिए इधर ग्रीन आ रहे हैं, इधर भी ग्रीन कलर का आ रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, इसीलिए आपको ग्रीन कलर का आ रहा है ना, बिकॉज वो तो देखते हैं अभी क्या है ग्रीन कलर का। आपको आउटपुट तो आ रहा है, बट आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व नाउ। चलो देखिए, आइडियली अभी ये सेकेंड कॉलम जो है प्रिया मुखर्जी, प्रिया मुखर्जी के लिए सोर्स टेबल कभी चेंज होगा क्या? सेम ही रहेगा ना, प्रिया हो नहीं तो रमेश जोशी, नाम चेंज हो रहा है, बट टेबल क्या रहना चाहिए? यही रहना चाहिए ना, क्योंकि इसी टेबल में वो ढूंढ रहा है ना। पूरा ओके, डेटा उधर ही इधर ही है, क्योंकि सोर्स टेबल आपका कॉन्टेक्ट ऐप चेंज होता है क्या नाम चेंज करने से? नहीं, राइट। बट अभी देखिए इश्यू क्या हो रहा है। सो इसको बोलते हैं डीबग करना। सो लेट्स टेक विद द रमेश जोशी, इसके फॉर्मूला पे यहाँ पे जाके ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, उसका आउटपुट भी आया है। ओके, ये देखिए फॉर्मूला, जब मैं पहले ऑब्जर्व कीजिए फॉर्मूला में क्या चेंज हो रहा है, इधर ऑब्जर्व कीजिए, मैं सेल चेंज करता हूँ नीचे। D17 था, D18, D19 आ रहा है, मतलब मेरा लुकअप वैल्यू चेंज हो रहा है। वो चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों सर्च कर रहे हैं, बट वो नाम चेंज करने के साथ और क्या क्या चेंज। चलो लेट्स क्लिक ऑन रोहित पटेल। रोहित पटेल में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसके फॉर्मूला पे करता हूँ, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, देख रहे हो क्या यहाँ पे? ये देखिए, ये लुकअप वैल्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या ब्लू कलर का है। ओके, तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है, कैन यू सी? यहाँ पे तो लुकअप वैल्यू ये बराबर है, यही चाहिए था आपको, मतलब लुकअप वैल्यू यही है ना आपका, जो चेक कर रहे हैं आगे जाके। ओके नेक्स्ट, अभी टेबल अरे पे क्लिक करता हूँ। टेबल अरे क्या कलर क्या है? रेड कलर, बट देख रहे हो क्या रेड कलर यहाँ पे आया है, क्या हो रहा है? मतलब टेबल एक्ट ओरिजिनल टेबल इतना ही सिलेक्ट किया था आपने,
इतना ही सिलेक्ट किया था ना, बट आपका टेबल कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो ऊपर मिस कर रहा है ये दो कॉलम। और आगे जाइए, लेट्स लेट्स टेक रमेश जोशी, सॉरी रमेश जोशी, इसका देखिए D25, D25 रमेश जोशी ब्लू कलर, ये तो लुकअप वैल्यू है सही, बट लुकअप टेबल देखिए उसका कहाँ पे आ रहा है टेबल, कैन यू सी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपका तो ओरिजिनल टेबल ये था ना, ये चेंज क्यों हो रहा है? ओके, तो ये चेंज क्यों हो रहा है कि एक्सेल आप जब भी डबल क्लिक करते हो, नहीं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, जैसे आपका लुकअप वैल्यू चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, वैसे उसको टेबल भी चेंज कर देता है, क्योंकि एक्सेल पता नहीं ना वो मेरा सोर्स टेबल है, उसको चेंज नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव रेफरेंस, वो क्या करता है, वो खुद का इंटेलिजेंस यूज करके सब कुछ चेंज करने लगता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल फिक्स करना पड़ेगा, मेरा जितना भी लुकअप वैल्यू है डबल क्लिक करने से चेंज होना चाहिए वो, बट सोर्स टेबल चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रहा सर, ये हो रहा है ना बट एक्चुअल में नहीं हो हो रहा, रहा ना। नहीं, सबके लिए चेंज हो, ये देखिए अंजलि हाँ देशपांडे के लिए चेक कीजिए, ये वो देखिए देख, उसका सोर्स टेबल कहाँ पे दिख रहा है क्या आप, अंजलि देशपांडे और नीचे का ये सब कुछ आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोर्स, ये सोर्स टेबल है, ये है क्या सोर्स टेबल आपका, नहीं ना, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा एक जगह पे, क्या करना है मुझे एक्चुअली पहले फॉर्मूला में चेंज, ऐसे रैंडमली भी आप चेंज कर सकते हो, बट आई वांट यू टू सिलेक्ट द फर्स्ट सेल जहां पे आपने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है, उसको सिलेक्ट कीजिए, फंक्शन इधर क्लिक कीजिए, पहले तो आप डायरेक्टली वी लुकअप पे भी क्लिक कर दो, इधर क्लिक कीजिए, आपको ये आपका ओरिजिनल वैल्यू वो आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल F4 नाम का शॉर्टकट रहता है, मेरे इसमें फंक्शन F4 है, बट F4 ऐसा प्रेस करोगे, डॉलर सिंबल ऐड करना है हर जगह पे, डॉलर भी मतलब कॉलम और रो के आगे डॉलर सिंबल लगाना है हर जगह पे, पहले B3E12 था, अभी डॉलर बी डॉलर थ्री डॉलर ई डॉलर ट्वेल्व, आप मैन्युअली भी लगा सकते हो बट F4 इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल कुछ को ये F4 है कि डिपेंड करता है, आपका डेल का है तो डायरेक्टली F4 होगा, एचपी का राइट? होगा HP वगैरह है तो फंक्शन F4 रहता है, फंक्शन F4, ओके? एक बार मैंने वो और एक बार डबल क्लिक, ओके, फिर भी आई हैव सम डिफरेंट वैल्यूज, ये विल सी ये क्यों आ रहा है, वो दूसरे है, बट मैक्सिमम जहां पे आपको गलती आ रहा था वो एक्चुअली आप एक बार चेक कर सकते हो फिक्स हुआ है कि नहीं। चलिए देखिए, रमेश जोशी का टेबल चेंज हो रहा था ना, अभी रमेश जोशी पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसका देता हूँ टेबल है ना, चेंज सोर्स टेबल नहीं ना, इतनी है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए रोहित पटेल का, देखिए दीपा नायर का, देखिए इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेबल चेंज हो रहा है बट उसका लुकअप वैल्यू तो चेंज हो रहा है, दीपा नायर, राइट? सो ऐसे आप फिक्स करके टेबल फिक्स कर सकते हैं। नहीं देखिए वैल्यूज डिफरेंट है क्या, रमेश जोशी का ओके 92 है यहाँ पे है, ठीक है, सो एक्चुअली वो आई वांट टू टीच यू समथिंग एल्स, बट इसके आगे और एक बिल्डिंग है, आपको ऑप्शनल पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये टेबल बनाया गया है, बहुत सो नाउ यू कैन कोरिलेट, यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो, मतलब यू कैन फिक्स द सोर्स टेबल, अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन इतना ही देना है कि आप सोर्स टेबल फिक्स कर सकते हो। तो एक एग्जांपल इधर कीजिए, इधर भी ये आपको डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, एक बार चेक कीजिए क्यों आ रहा है, क्लिक एंड ये सोर्स टेबल पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे भी सोर्स टेबल चेंज हो रहा है, राइट? फिर भी आपको वैल्यू करेक्ट है, वो एक्सेल इंटेलिजेंट है, वो खुद कैलकुलेट कर लेता है, देखिए सोर्स टेबल, बट इसको फिक्स करना पड़ेगा, कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक
फॉर्मूलास फंक्शन वी लुकअप ऑलरेडी आ गया, यहाँ ये जो टेबल है उसको फिक्स करना है, तो सिलेक्ट फंक्शन एफ फोर है मेरा फंक्शन फोर, ओके ओके अभी डबल क्लिक कीजिए, क्लियर, अभी सारा एरर गया, वो एक्चुअली एरर था बट एक्सेल ऑटो करेक्ट कर रहा है वो एरर, क्योंकि एक्सेल इज इंटेलिजेंट, उसने खुद कैलकुलेट किया है, पता है इनको क्या चाहिए, तो इसीलिए बट वो फिर भी हाईलाइट करके दिखाता है, तो इसीलिए यू गॉट आउटपुट, क्लियर सबको पता चला, सो आई वॉन्ट यू टू यहाँ पे भी वो आउटपुट लेके आइए एंड देन एरर आप करेक्ट कीजिए, ओके क्लियर सबको, दोस्त जिनका डे वन है और फर्स्ट लेक्चर है मे बी दे कैन, आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा बट यू कैन रेफर द ओल्ड वीडियोस एंड देन डू द कैलकुलेशन, पण कसं करणार, लुकअप व्हॅल्यू मध्ये तर एकच शोधायचं आहे ना, आणि इंडेक्स नंबर मे तीन देणार का चार देणार, वेगवेगळे इंडेक्स आहेत ना प्रत्येक कॉलमचा, सो एव्हरी टाइम यू नीड टू राईट डायरेक्टली सगळे सब कॉलम का मिला की एक ही फॉर्म्युला नाही लिख सकते, हर एक कॉलम का एक फॉर्म्युला, ओके क्लियर सबको, एव्हरीवन अंडरस्टूड,